सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेस लिस्ट। सो एक्सेस लिस्ट क्या होता है? एक्सेस लिस्ट एक हमारे राउटर्स के ऊपर रूल्स होते हैं। लाइक इफ यू वॉन्ट टू परमिट, जैसे हमें फेसबुक ब्लॉक करना है, कोई भी वेबसाइट ब्लॉक करनी है, कोई भी पर्टिकुलर एक सबनेट ब्लॉक करना है, कोई भी ट्रैफिक ब्लॉक करनी होती है, तो राउटर के ऊपर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है जिसे ACL बोला जाता है। तो ACL या तो आप अलो कर सकते हो ट्रैफिक को या आप डिनाई कर सकते हो ट्रैफिक को। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो एक्सेस लिस्ट आपकी दो तरह की होती है, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। विच वन? एक आपकी होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड में और एक्सटेंडेड में डिफरेंस क्या है? अभी ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर्ड और नेम्ड, इसे हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप ये समझिए एक्सेस लिस्ट दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। और याद रहे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारी Layer 3 सिक्योरिटी होती है। Layer 3 मतलब यानी IP को ब्लॉक करना, IP को ब्लॉक परमिट करना। तो जैसे हमारा स्विचिंग में पोर्ट सिक्योरिटी होता है, वो Layer 2 सिक्योरिटी होती है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारी Layer 3 सिक्योरिटी है। तो इसमें डिफरेंस क्या देखते हैं? तो ये डिफरेंस है इनका। तो स्टैंडर्ड अगर मैं यहां पर कॉन्फिगर कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप उसको नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हो, एक पर्टिकुलर एक PC या एक IP को ब्लॉक कर सकते हो, यानी होस्ट, यानी एक सबनेट भी ब्लॉक कर सकते हो। बट इस केस में ये मेन चीज है, ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक। अगर आपने किसी सर्वर को ब्लॉक कर दिया या किसी भी, तो उसकी टेलनेट, FTP, यानी सारी की सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी स्टैंडर्ड में। ओके? और इसमें क्या होता है, ये नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन लगता है, यानी एक राउटर, तीन राउटर हैं और हमारा ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगती है, ये कहाँ पे लगेगी? जो नियरेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन राउटर होगा। तो ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो इसके नियरेस्ट राउटर कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर ही अप्लाई होगी। और जो एक्सटेंडेड क्या होती है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड में आप पर्टिकुलर वही नेटवर्क, होस्ट, सबनेट भी ब्लॉक कर सकते हो, बट इसके अंदर आप पर्टिकुलर एक सर्विस ब्लॉक कर सकते हो। यानी आपने सिर्फ एक PC का, यानी एक सर्वर का सिर्फ टेलनेट बंद कर दिया, बट आप वेबसाइट यानी कोई भी दूसरी ट्रैफिक एक्सेस कर सकते हो, HTTP वगैरह। और ये नियरेस्ट टू द सोर्स लगती है, यानी अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये सोर्स ये है, यहाँ पे हमारी एक्सटेंडेड लगेगी और यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड लगेगी। तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में जो बेस्ट है, वो एक्सटेंडेड को माना जाता है, क्योंकि एक्सटेंडेड में बहुत ज्यादा एक तरह से फीचर्स हैं। तो आप इसमें सोर्स प्रोटोकॉल्स भी ब्लॉक कर सकते हो, यानी अगर आप पर्टिकुलर टेलनेट को ब्लॉक करना चाहते हो, FTP को ब्लॉक करना चाहते हो। तो लेट्स चेक द कॉन्फिगरेशन। तो कोई किसी के पास पैकेट ट्रेसर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप पैकेट ट्रेसर भी कर सकते हो, नहीं तो आप GNS भी यूज कर सकते हो। दो सॉफ्टवेयर है, तो आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग ACL, तो मैं फर्स्ट टाइम हमेशा एक्सेस लिस्ट ही बोलता हूँ। फर्स्ट टाइम एक्सेस लिस्ट किस पर बोलता हूँ? पैकेट ट्रेसर पे कॉन्फिगर करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक है। तो कोई भी एक टोपोलॉजी आप बना सकते हो बेसिक। तो जैसे मैंने यहाँ 3 डिफॉल्ट राउटर्स की एक टोपोलॉजी बना रखी है। तो इसमें क्या है, सिंपल 3 राउटर्स हैं और उनको IP एड्रेस दिया हुआ है और उनकी कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ। तो एक्सेस लिस्ट मेरा फर्स्ट, मेरा टास्क क्या है, मैं चाहता हूं कि इस सर्वर को, ये वाला जो PC है, ये वाला PC का कोई भी जो IP होगा, ये इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, ये इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, ये मेरा टास्क है। सो लेट्स चेक। तो मेरा टास्क ये है कि मैं PC से सर्वर को एक्सेस ना कर पाऊं। ओके? तो जो मेरा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम कॉन्फिगर कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमारा कहां पर होता है? नियर द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है हमारा? ये, राइट? तो नियर द डेस्टिनेशन होता है, एक बार देख लेते हैं हम। यस, ये देखो, इंप्लीमेंट क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। तो यहां देखिए, ये अगर ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, तो नियरेस्ट राउटर कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर हम कॉन्फिगर करेंगे, ठीक है? तो यहां पर मैं कॉन्फिगर कर रहा हूं, ये R3 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबनेट देखूंगा इसका IP क्या है। तो यहाँ पे इसका IP है 1.1, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसका IP यहाँ पर लिख देता हूँ,
तो आप ऐसे पूरा डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम एक्सेस लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप डिजाइन द टोपोलॉजी, कभी भी आप प्रैक्टिकल करो डिजाइन द टोपोलॉजी, उसके बाद गिव आईपी एड्रेस, उसके बाद पिंग द गेटवे, उसके बाद राउटिंग करोगे आप कोई भी राउटिंग, आप जैसे इधर ये जेआरपी चल रहा होगा फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अभी मैं चेक करता हूं कि राउटिंग है या नहीं है, और उसके बाद हम करेंगे एक्सेस लिस्ट। तो हमेशा आपको राउटिंग यानी राउटिंग करोगे तभी तो ये पीसी इधर तक पिंग कर पाएगा। तो अभी मैं शो आईपी प्रोटोकॉल चलाता हूँ और देखता हूँ इधर कोई प्रोटोकॉल इनेबल है, ये देखो कोई भी प्रोटोकॉल ऑन नहीं है। तो मैं जल्दी से EIGRP चला रहा हूँ, तो राउटर EIGRP 10, और नेटवर्क कमांड्स कौन सी डलेंगी, तो जो मेरी दो नेटवर्क है मेरे इस राउटर के पास 10.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.1.0 नॉट अ समरी। सो R1 पे कॉन्फिगर हो गया, R2 पर जा रहा हूँ, तो शो आईपी राउट करोगे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको एडवर्टाइज करो। तो राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 11.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.2.0 ओके नोट समरी। एंड राउटर 3 पे भी हम यही करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मेरे पास दो नेटवर्क हैं राउटर EIGRP 10 नेटवर्क, जो भी आपके सीसी वाले हैं वही एडवर्टाइज करने हैं। इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग एनी राउट स्ट्रिप वगैरह वो मत एडवर्टाइज करना, सिर्फ सीसी वाले, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ वही देखने हैं, अगर आपके राउटिंग टेबल बहुत बड़ा आ रहा है आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिख रहे, शो आईपी राउट कनेक्टेड, ये कमांड है सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड देखने के लिए। तो हमारा राउटिंग हो गया है, तो मैं इस पीसी से इस सर्वर को पिंग करूंगा। तो सर्वर का आईपी क्या है देखते हैं, तो डेस्कटॉप, तो मैंने यहाँ पे आईपी दिया ही नहीं था, बट मेरा गेटवे क्या 3.50, तो मैं यहाँ 3.100 दे देता हूँ इसको सर्वर को आईपी 192.168.3.100, और मेरा गेटवे क्या था 168.3.50। तो इसको आप कॉपी करके बाहर सर्वर पे आईपी लगा दो कि इस सर्वर का आईपी ये है। अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं आती है तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सो लेट्स चेक ऑन पीसी कि सर्वर पिंग हो रहा है, तो मेरा उस सर्वर का आईपी क्या है 3.100। तभी मैंने बोला था कि डिजाइन द टोपोलॉजी, उससे इजी हो जाता है 3.100, तो 3.100 पिंग होगा। लेट्स चेक, सो वेट फॉर सम टाइम, जो फर्स्ट 2-3 पैकेट्स होते हैं आपके ड्रॉप हो सकते हैं, ये देखो पिंग हो रहा है राइट, तो दोबारा पिंग कर लो यस। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये वाला पीसी सर्वर को एक्सेस ना कर पे। तो एक्सेस लिस्ट क्या होगी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राउटर एक तरह से फायरवॉल की तरह बन जाएगा, और ये जैसे ही 1.1 का पैकेट इधर आएगा तो ये यहाँ पे उसे डिनाई कर देगा, यानी उसे आगे फॉरवर्ड नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट कॉन्फिगर कर रहा हूँ, तो कॉन्फिगर टर्मिनल, तो ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड पे यहाँ पे ACL आएगा। तो एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना यहाँ पे, तो आपने स्टैंडर्ड बनानी है एक्सटेंडेड, तो आज हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं। तो एक्सेस लिस्ट यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं 1 to 99, अगर आप यहाँ 100 या 150 देंगे तो वो एक्सटेंडेड बन जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड की रेंज क्या है 1 to 99। तो मैं एक्सेस लिस्ट यहाँ पे 10 दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सेस लिस्ट 10, और आपने क्या करना है, डिनाई करना है, परमिट करना है, मुझे डिनाई करना है। डिनाई किसको करना है, आपने किसी होस्ट को करना है, यानी किसी, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पीसी या किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को करना है तो यहाँ पे क्या आएगा उसका होस्ट, यहाँ पे क्या आएगा होस्ट, और होस्ट क्या है मेरा 192.168.1.1, किसको डिनाई करना है 1.1 को। सिंपल कमांड है एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 192.168.1.1। तो आप पॉज करके वीडियो इसे लिख सकते हो, तो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट। अब क्या होगा, अगर लास्ट में आपको एक कमांड देनी पड़ेगी परमिट एनी, इस कमांड का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये तो डिनाई है, बट अगर आप ये कमांड नहीं दोगे बाकी की सारी ट्रैफिक डिनाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब आप शो एक्सेस लिस्ट करके कमांड देखते हो तो ये आपको नंबर दिख रहे होंगे, देखो 10 20, तो ये सीक्वेंस नंबर होते हैं, जैसे हमारे
जब हम लाइंस होती है ना, हमारी कॉपी में लाइंस होती है 1 से लेके 10 तक, नीचे 1 2 3 4 लाइन ऐसे। तो ये लाइंस है, ये 10 लाइन, ये 10th लाइन पे डिनाई होस्ट, हमेशा ये टॉप टू डाउन चलता है। जैसे कोई ट्रैफिक आएगा, पीसी से ट्रैफिक आया इस राउटर के पास, वो सबसे पहले कम वाली जो ऊपर लिखी है उसको मैच करेगा। अगर ये ट्रैफिक 1.1 से आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, डिनाई, फर्स्ट मैच हुई, ठीक है। अगर ये पीसी फॉर एग्जाम्पल 1.5 से आ रहा है, लैपटॉप का इसका आईपी 1.5 है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सेस लिस्ट से पहली स्टेटमेंट मैच करेगा तो ये मैच हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1.1 के लिए थी। तो सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परमिट, क्योंकि 20 हमारी परमिट है। तो आप जितने भी डिनाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल और भी आप डिनाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिनाई होस्ट 1.1, 1.4, 1.5, तो लास्ट में कोई एक आईपी जो ऐसा है जो आपने डिनाई नहीं किया हुआ, वो फर्स्ट से मैच करेगा, सेकंड से मैच करेगा, थर्ड से मैच करेगा, और लास्ट में आपकी परमिट एनी कमांड आपको देनी पड़ती है, नहीं तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप ये कमांड ना देते तो वो सिर्फ इस स्टेटमेंट से मैच करता, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं डिनाई, बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है ये, ठीक है, सारी चीजों को ये क्या करता है, डिनाई करता है। तो आपको लास्ट में परमिट एनी का कमांड देना पड़ता है। तो अब पिंग हो रहा है, चेक करते पीसी से, अभी भी पिंग हो रहा है, क्योंकि एक चीज और है, हमने एक्सेस लिस्ट तो बना दी बट उसको इंटरफेस पे अप्लाई नहीं किया। तो आपका इंटरफेस कौन सा लगेगा ये देखो, अब इसमें ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है, तो दिखाता हूं मैं आपको अपना पेन टेबलेट निकाल के। तो ये देखो, ये जब ट्रैफिक इस पीसी से इस इधर आया, तो जब इस राउटर पे हम कॉन्फिगर कर रहे हैं राइट, तो इससे जब ट्रैफिक इधर से आ रहा है, क्योंकि ये पीसी किधर से आ रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड से, तो जब इसके अंदर ये ट्रैफिक जा रहा है तो इसको बोलते हैं इन इन, तो ट्रैफिक अंदर चला गया, और जब इस इंटरफेस पे इधर से यहां इस इंटरफेस पे जा रहा है, तो ये वाला इंटरफेस क्या होगा, इसका आउट राइट। तो यानी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो FA1/0 है, ये इसका इन है, यानी ये इनबाउंड है, ये इनबाउंड इंटरफेस है, इनबाउंड, और ये FA0/0 मेरा क्या है, आउटबाउंड इंटरफेस, क्योंकि ट्रैफिक आपका कहां से आ रहा है, आपका लेफ्ट से आ रहा है। अब इसी केस में अगर मेरा ट्रैफिक इधर सर्वर से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सोर्स है, और अगर इधर से आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाला इंटरफेस इनबाउंड हो गया, और राउटर से अंदर जाके ट्रैफिक जब FA1/0 पे जा रहा है ट्रैफिक, तो ये आउटबाउंड हो गया। तो बट हमारे केस में ये वाला सोर्स है, तो हमारा जो ये वाला इंटरफेस है FA1/0, ये आपका इनबाउंड है। तो आप यहाँ पे एक्सेस लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और यहां पे भी कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं इनबाउंड पे ट्रैफिक कर रहा हूं, तो FA1/0 पे आप ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट अप्लाई करोगे। तो करते कैसे हैं, देखो मेरा इंटरफेस क्या है, FA1/0, तो यहां पर आएगा कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस FA1/0 एक्सेस लिस्ट, आईपी एक्सेस ग्रुप, और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का नाम क्या था मेरा, 10, नहीं कंफर्म करना है आपको, शो एक्सेस लिस्ट कर लो, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 10, ठीक है। तो कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस FA1/0, इंटरफेस भी दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, FA1/0, यस यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आईपी एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट का नाम क्या है, 10, तो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनबाउंड, क्या आएगा यहाँ पे, आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इनबाउंड, ये इनबाउंड आ रहा है ना। तो आप 10 के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इन है इनबाउंड पैकेट्स के लिए और आउट है आउटबाउंड पैकेट्स के लिए, बट FA10 पे मेरा इनबाउंड हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जब ऐसे आ रहा है और यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर घुस रहा है, सो दिस इज इनबाउंड राइट। सो यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव लाइक इंटरफेस FA1/0, आईपी एक्सेस ग्रुप कितना था, 10 था और इनबाउंड राइट। अगर आप इसे आउट पे लगाना चाहते हैं FA0/0 पे, तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप इनबाउंड पे नहीं लगाना चाहते, तो वहां पर कमांड क्या आएगी, आईपी एक्सेस ग्रुप 10, यहाँ पे आउट आएगा, इन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैफिक राउटर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है FA10 से, पर ट्रैफिक बाहर निकल रही है, तो ये आउट इंटरफेस है FA0। बट अगर आप FA1/0 कर रहे हो, FA1/0, तो यहाँ पे इन लगेगा, तो मैं इन ही यूज कर रहा हूं, तो इसे मैं नहीं एंटर करूंगा,
ओके, तो यहां पे आप शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो यहां पे दिख रहा है। तो अब ट्रैफिक में पर पिंग करके देखता हूं यहां से दोबारा, ये देखो क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बट अभी यहां पे हमारा रियल टाइम है, लेट्स चेक ऑन सिमुलेशन मोड। तो यहां पे मैं पीसी पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट में गया और अब मैं पिंग कर रहा हूं। तो यहां पे दिख रहा है आपको एक पैकेट बन गया। तो अगर ये मैं पैकेट यहां तक जा रहा है, यहां तक भी परमिट हो गया है, इस राउटर ने भी फॉरवर्ड कर दिया, बट यहां पर जाके उस पे क्या आ गया, क्रॉस, कि यू कैन नॉट एंटर इनटू माय नेटवर्क बिकॉज यू आर डिनाइड विद एक्सेस लिस्ट विद आईडी ऑफ 10। सी द रिसीविंग पोर्ट हैज इनबाउंड ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट। अगर आप आउटबाउंड पे लगाओगे तो यहां लिखाएगा द रिसीविंग पोर्ट हैज आउटबाउंड ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट विद एन आईडी ऑफ 10। द डिवाइस चेक्स द पैकेट विद अगेंस्ट द एक्सेस लिस्ट, पैकेट उसने मैच किया एक्सेस लिस्ट के साथ टॉप टू डाउन और उसे फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट थी ये मिल गया। द पैकेट मैचेस द क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनाई होस्ट 192.168.1.1। अगर ये वाला मैच ये 1.1 नहीं होता तो वो परमिट हो जाता। ये देखिए अभी ये मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका मेरा आईपी है 192.168.1.2। ओके, तो मैं यहां पर इसे पिंग करके देखूंगा किससे, 3.100। तो ये वाला तो हमने ब्लॉक नहीं किया है, 3.100 सिमुलेशन मोड पे हो, वापिस आप रियल टाइम पे आ जाओ, ये देखो पिंग कर रहा है। ओके, तो यहां से आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर पीसी को ब्लॉक किया था। क्या कमांड थी आपकी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए थे, सबसे पहले यहां पे क्या बनाया था, एक्सेस लिस्ट बनाया था। कैसे बनाई थी दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 192। होस्ट आएगा अगर आप एक सिंगल को कर रहे हो। अब मैं क्या आपको करके दिखा रहा हूं, पूरे एक नेटवर्क को, यानी 1.50 है ना, तो पूरे नेटवर्क को कर रहा हूं। आपको वाइल्ड कार्ड मास्क पता होने चाहिए एक्सेस लिस्ट के लिए, क्योंकि लेट्स चेक शो एक्सेस लिस्ट। तो यहां पे आपने होस्ट किया है, अगर आपको नेटवर्क डिनाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।